बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पी के। सो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो गाइस। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, जो गाड़ियों के प्योर शौकीन है ना, पुरानी गाड़ियों के, उनके लिए ये वीडियो अ ट्रीट टू वॉच होने वाली है। ये गाड़ी है बेसिकली 1979 डॉटसन 120Y। इस गाड़ी के बारे में मज़ीद जानते हैं, इसके ओनर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरबाब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा, अरबाब निकल रहे थे कहीं ज़रूरी काम से, तो दरमियान में हम लोग टपक पड़े और हमारे साथ आ गए। अरबाब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कोई मसला नहीं सर। ओके, सो अरबाब जो हैं बेसिकली इन्हीं चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, गाड़ियों के, इनसे भी इनके बारे में जानते हैं। अरबाब पहले तो ये बताएं, करते क्या हैं आप? सर मैं पढ़ता हूँ, मैं LLB कर रहा हूँ। ठीक है, एबर्ट लॉ कॉलेज एबटाबाद से। सही। और सेकंड पार्ट टाइम में जो काम कर रहा हूँ वो मैं ऑयल का, गाड़ी के स्पेयर पार्ट का, व्हील अलाइनमेंट का और बैटरीज का, तकरीबन गाड़ी की पार्ट्स का काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो और ये गाड़ी हमारे पास बहुत पुरानी है, ये मेरे दादा बू की है। अच्छा। ये उन्हें फोर्स में मिली थी और उसके बाद नीलाम हुई, फिर उनके पास ही है। अच्छा। ये 79 मॉडल है और इसकी हॉर्स पावर 69 है और इसकी न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 94 है। और ये शहर में हमें दे देती है पेट्रोल पे एवरेज 12 किलोमीटर, और लॉन्ग पे चले जाएं तो ये हमें दे देती है 14 to 15। और अभी हम इसे फिलहाल CNG पे चला रहे हैं, उसकी एवरेज हमें कैलकुलेट करके 17-18 दे देती है सिटी में। आपने तो सारी वीडियो यहीं पे ओके जी, अल्लाह हाफिज़, वीडियो ख़त्म हो गई है, इन्होंने सारा कुछ ही बता दिया। अच्छा अरबाब, सबसे पहले तो मुझे बल्कि बता ही दिया आपने बहुत कुछ, अभी कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास? हमारे पास एक करोला GLI है। ठीक है। वो 10 मॉडल है और इसके अलावा 1.6 अल्टस है। ठीक है। जो 17 मॉडल है। ठीक है। अच्छा मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप सिर्फ यही गाड़ी चला रहे होते हैं ज़्यादातर, और आपके अबू भी मैंने देखा है कि वो अक्सर यही गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उस क्या रीज़न है? वो दूसरी गाड़ियाँ भी तो हैं सब। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसका अपना ही मज़ा है, एक अलग ही इसका सिटी में ड्राइव का, मतलब इसकी लुक्स की वजह से जब लोग मोड़ के देखते हैं वो मज़ा आता है या चलाने का ज़्यादा? सर वो तो आता ही है, लेकिन इसकी ड्राइव कम्फर्टेबल है। आज मॉडर्न गाड़ियों को आपको देख लें, लेकिन वो गाड़ियाँ हार्ड हैं, ये गाड़ियाँ सॉफ्ट है। सही। और मजबूत भी? मजबूत भी। ठीक है। अच्छा आपको कभी लगा नहीं है यार कि सेफ्टी के हिसाब से तो सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है इसमें ना, मतलब ऑब्वियसली 79 मॉडल है ये, तो वो बदर नहीं करता आपको कभी? सर उसके बारे में इतना कभी सोचा ही नहीं है। अच्छा उसकी एक मिसाल ये कि हम लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, मैंने कहा कि सीट बेल्ट के इधर आगे से, कहते हैं जब से दादा बू फोत हुए तो फिर हमने तो जी, मतलब वो एक यहाँ पे मशहूर हुई है ना, जदू ना दादा मरे मोती तो दिल्ली उठ गया, तो इनके दादा बू फोत हुए, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, इन्होंने बेचारी को बस उसी तरह छोड़ा हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़ी फ्रेश इसमें आपने वो किया हुआ सारा, गाड़ी कहीं से भी पुराने मॉडल की लग नहीं रही वैसे अपने इंटीरियर में। जेन्युइन इंटीरियर में, ये जेन्युइन इंटीरियर है इसका, सब कुछ जेन्युइन है, इंजन तक जेन्युइन है, सब कुछ जेन्युइन है, सिर्फ इंजन पे वो लेदर लगी हुई है। हाँ, ये एक्स्ट्रा, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ठीक है। और इंजन इसका 1.2 है? हाँ, इंजन इसका अपना जेन्युइन है 1.2। गाड़ी के लिए तो आते होंगे लोग कि यार हमें दे दो? जी आते हैं सर, गाड़ी के लिए बहुत से लोग आते हैं, बहुत से गाड़ी के शौकीन अफराद। तो कभी सोचा आपने? तो नहीं, सेल करने का कभी नहीं सोचा। ऑफर भी लगती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफर दे रहे हैं लोग, लेकिन अगर एक दफ़े से सेल कर दे तो इस तरह की गाड़ी मिलनी मुश्किल है। ठीक है। जो और अगर मिल भी जाती है तो उसको फिर मेंटेन करना, पार्ट्स दूसरा तीसरा, वो एक काफ़ी इशू है। जिनके पास है उनको इसकी कदर का कदर पता है, कदर का पता है। और ये मिलती भी नहीं आमतौर पर मार्केट में इस कंडीशन में, ये मिलती भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा मेंटेन करना कितना मुश्किल है इसे, पार्ट्स वगैरह? पार्ट की अवेलेबिलिटी मुश्किल है, लाहौर पेशावर वगैरह से मिल जाते हैं पार्ट्स, लेकिन एक दफ़ा काम करा दें इसका पूरा, उसके बाद काम नहीं निकालती है गाड़ी। मेंटेन तो आप लोग खुद ही कर लेते होंगे? और दूसरा तीसरा ऑयल चेंज वो तो डेली है, वो जिस तरह नॉर्मल गाड़ी का आप करते हैं। ठीक है। पार्ट्स और मिल जाते हैं नॉर्मल, सिर्फ इंजन के पार्ट्स नहीं मिलते और बॉडी पार्ट्स वो मुश्किल से मिलते हैं। सही। बाकी छत वगैरह भी अपनी कंडीशन में सारा, ऊपर एग्जीन करवाई भी? एग्जीन लगी है। अरबाब मुझे दो चीज़ों का जवाब दीजिएगा, सबसे पहले तो ये बताएं इसका इंजन ऑफ कोर्स स्वैपेबल है,
तो स्वैप हुआ हुआ तो नहीं है, आपने चेंज तो नहीं किया हुआ या इसका ओरिजिनल नहीं किया? ओरिजिनल तो मिल जाता है ना आराम से वैसे? तो किस कैपेसिटी तक इसमें लगा सकते हैं इंजन, कितना बड़ा इंजन लग सकता है इस पर? वो तो बंदे की मॉडिफिकेशन तक है, जितना बंदे को शौक है। इसका स्पेस तो काफ़ी, इंजन की काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें। नहीं मैं बगैर मॉडिफिकेशन के कह रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली आप किसी भी गाड़ी में कोई भी लगा लेते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन, इसमें कौन सा आराम से आ जाता है इंजन विदाउट मॉडिफिकेशन? इसमें इंजन बेसिकली आ जाता है क्रोला के SMT का इंजन आ जाता है। ठीक है ठीक है, वो रियल व्हील है, वो इसी इंजन पे ही आ जाता है, एक्स्ट्रा आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा हैवी इंजन डालेंगे तो फिर एक्स्ट्रा आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, वरना छोटे इंजन तो आ ही सकते हैं। हाँ छोटा इंजन आ सकता है। ठीक है, तो ये भी रियर व्हील है? ये रियर व्हील है। वेरी नाइस। अच्छा मोटरवे पे आप डेफिनेटली लेके तो गए होंगे इसे, लॉन्ग रूट कहाँ तक किया आपने इस पे? इस पे लॉन्ग तो दादब हो गए हैं कराची तक। अच्छा इस पे? हाँ इस पे कराची तक गए हैं। अच्छा, और इधर से मैं इसको लेके गया हूँ गिलगित तक। अच्छा तो मोटरवे पे कैसा रिस्पांस है इस गाड़ी का, और टॉप स्पीड कहाँ तक आप लेके गए इसे? इसे मैं टॉप स्पीड 140। तो 140 पे बिल्कुल स्टेबल थी? 140 पे स्टेबल थी, कोई टेंशन परेशानी? रोड ग्रिप जो है लूज होती हुई तो नहीं लगी? नहीं, वो आप सस्पेंशन का काम वगैरह ठीक हो तो कोई मसला नहीं। अच्छा वेरी गुड। ओके रजिस्टर कहाँ के, नंबर कहाँ का लगा हुआ? इसे नंबर लगा हुआ है धीर का। धीर का? धीर का नंबर लगा हुआ है। तो दादा भूसा को उधर पोस्टेड है? आउटसाइड पोस्टेड थे। अच्छा अच्छा, तो ये ब्रांड न्यू आई थी आप लोगों? ये फौज की नीलामी की गाड़ी है। अच्छा, ये उनको नौकरी के वक्त मिली थी, फिर उन्होंने आगे खरीद ली। अच्छा अच्छा, होता ही है ना कि मोची के अपने जूते हमेशा फटे हुए होते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा मेरे मुशाहदे में भी ये चीज़ बहुत आई, और आप भी ऑफ कोर्स इस फील्ड में तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर लोग जो गाड़ियों का काम भी करते हैं उनकी अपनी गाड़ियाँ बुरे हाल होते हैं। ठीक है, बिगड़े हुए हाल होते हैं, और वो छोटे छोटे मसले वो खुद ही हल कर लेते हैं, बाकी गाड़ी रुली हुई होती है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ आप, क्रेडिट गोज़ टू यू एज़ वेल एंड टू योर फादर, कि आप लोगों ने बड़ी माशाल्लाह वेल मेंटेन रखी हुई है, कहीं से भी आपको लगता नहीं है कि आप इतनी पुरानी गाड़ी में बैठे हुए और कोई खड़क भी महसूस नहीं हो रही, कोई पुर्जे हिलते हुए वो वाइब्रेशन कुछ भी महसूस नहीं हो रही। सो वेरी वेरी नाइस, और हैरानकुन सी बात है जी इतनी पुरानी गाड़ी में और इतना, और मैं बैठा हुआ भी बड़ा ईजी हूँ अगर आप देखें तो, बिल्कुल रिलैक्स। और ये इस काबिल डेफिनेटली है, अभी इन्होंने कहा था दादा वो कराची भी लेके गए हैं, मानसरा से तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर का फासला बनता है एक साइड का, तो यस डेफिनेटली आप विद ईज इसे लेके जा सकते हैं बहुत, मतलब मैं तो कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, आप कैसे बैठे हुए हैं? हम कंफर्टेबल हैं, सिर्फ पीछे वाली सीट थोड़ी सी है लेकिन वो मॉडल ही ब्राउन है। सही, पीछे वालों से भी पूछ लेते हैं। हुज़ैफ़ा कैसे बैठे हुए हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, असद से पूछे थोड़ा लंबा है तो पीछे जो लेग स्पेस है बहुत कम है, बाकी सीट तो कंफर्टेबल है लेकिन लेग स्पेस बहुत कम है, हेड के लिए बहुत जगह है लेकिन लेग के लिए नहीं है। लेग रूम इसका पीछे की सीट के लिए कम है, लेकिन मैंने भी काफ़ी पीछे की भी है सीट शायद इस वजह से भी। बहरहाल बहुत अच्छी कंडीशन में, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ ही ऐसी गाड़ियाँ होंगी ये वाली जो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइस ये थे अरबाब और ये थी उनकी डैटसन 120Y 1979 मॉडल, और नो डाउट बहुत अच्छी कंडीशन में, और ये प्रेजेंटेबल गाड़ी है। मुझे लगता है कि आप इसे किसी शो में भी लेके जाएं तो लोग बहुत पसंद करेंगे इसे। कभी लेके गए किसी शो में? शो में तो अभी तक नहीं लेके गए। अच्छा, आइंदा अगर कोई मानसर है एफ्टाबाद में लगता है डेफिनेटली लेके जाइएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सो ये डेफिनेटली इट मतलब दिस काइंड ऑफ व्हीकल डज डिज़र्व अ लुक डेफिनेटली, आप लोग जब देखेंगे आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। लेकिन मसला ये है अरबाब के दादा बू की गाड़ी है और दे डोंट वांट टू सेल इट, और बेचनी भी नहीं चाहिए ऐसी गाड़ी, अगर हो तो डेफिनेटली कौन बेचना चाहेगा गाड़ी। मैं इसे पूरे नंबर दूंगा जी जिस हिसाब की गाड़ी है, 79 ये बनते हैं तकरीबन 43 years, यस अराउंड 43 years पुरानी गाड़ी, और यकीन करें आप कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं इतनी पर मतलब मेरे पैदाइश से भी बड़े पहले की गाड़ी है ये, तो फिर भी मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ये गाड़ी बिल्कुल जवान है अभी तक। तो थैंक यू सो वेरी मच अरबाब, आपने बड़ा टाइम निकाला है, थैंक यू सो वेरी मच अरबाब, हैपेंस टू बी माय स्टूडेंट एज वेल। आप कौन सी क्लास में स्टूडेंट थे? मैं आपकी सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं ये, थोड़ा सा ही पढ़े थे मुझसे लेकिन बहरहाल पढ़े थे।
तो थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जिन लोगों को गिला था कि मैं कार मेट पीके का नाम चेंज करके ऑल्टो मेट पीके रख दूँ, तो हो सकता है कि आज आपका गिला दूर हो. हमने एक प्रॉपर सेडान की वीडियो बनाई और आप लोगों को उम्मीद है ये पसंद आई होगी और वन ऑफ अ काइंड गाड़ी है डेफिनेटली. और इस गाड़ी के लिए तो लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.